नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। झांसी यानी कि बुंदेलखंड में इस वक्त मौजूद हूं और बुंदेलखंड की एक ऐसी जगह जहां पर कई सारे मुद्दे और कई सारी बातें हैं जिनके जरिए समय न्यूज नेटवर्क दंगल 2017 झांसी में मौजूद हैं और यहां रहते हुए तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन झांसी को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई के लिए चार पंक्तियां जरूर कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये एक पहचान है झांसी की। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी हस्तियां, उनमें से राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त की जन्म स्थली, इसके साथ साथ अगर यहां की बात करें तो यहां पर गोल्ड ग्रीन यानी कि तेंदू पत्ते का भंडार है, यहां पर हीरे भी होते हैं, पन्ना भी होते हैं, यहां पर खनिज संपदा है, लेकिन चंद हाथों तक सीमित है। इन सब के बावजूद क्या है कि बहुत से लोगों के तन पर कपड़े नहीं हैं और बहुत से लोगों के पेट में खाना नहीं है, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? आज विधानसभा चुनाव पर हम चर्चा यही करेंगे और तमाम राजनेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल जवाब भी पूछेंगे। ना जाने कितनी सरकारें आई और कितनी सरकार चली गई, लेकिन अब तक जिनको हक मिलना चाहिए वो हक क्यों नहीं मिल पाया, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन गौर से देखिए झांसी में दंगल के रंग। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं हूँ बुंदेलखंड की धरती पर और मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हैं वो किला है रानी लक्ष्मीबाई का, वो किला जो कि 1857 की क्रांति का गवाह है। तो मैं मौजूद हूँ झांसी के राजकीय संग्रहालय में, वो संग्रहालय जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन वृत्त को बताया गया है कि 1857 की क्रांति में आखिर हुआ क्या क्या। मेरे पीछे आप देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई का वो स्टेचू जिस पर लिखा हुआ है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की बहुत कुछ कहानी है जो वाकई अगर सुने तो पता चलता है कि देश के लिए किस किस ने क्या क्या किया है। आला उदल महुआ राजा के सेनापति थे और आलाखंड की रचना की गई काव्य के जरिए। किस तरीके से काव्य के जरिए ये सुनाया जाता है जो कि शरीर में एक जोश पैदा करता है, ओज पैदा करता है। खट 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 खाने बाजे धरी लोथ सजाए रंडे मुंडे नाचे रण खेतन नदी रक्त की उमड़ी जाए रंडे मुंडे नाचे खेतन में नदी रक्त की उमड़ी जाए चले सिरोही सन 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 चले सिरोही सन 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 बरछी के हैं गजब की मार सन 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 चले सिरोही बरछी करे गजब की मार और धुआंधार हो रही रण के धुआंधार हो रही रण के में आला उदल के सन्मार नदी बेतवा कौन ध्यावे। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद झांसी के ही रहे हैं। झांसी उनकी कर्मभूमि रही है, झांसी में रहकर उन्होंने अपनी हॉकी को खूब निखारा है। ये बात अलग है कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से चल रही है,
लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। काले मेघा पानी तो बरसाओ। चंदेल राजाओं के आधिपत्य से लेकर वर्तमान सियासी व्यवस्था में अगर चर्चा और बहस किसी मुद्दे पर होती है तो वो बुंदेलखंड की भूख, बुंदेलखंड के पलायन और बुंदेलखंड के रोजगार को लेकर होती है। लेकिन तमाम बातों के साथ साथ आज भी यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं और सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ पर होता है। अगर समूचे बुंदेलखंड को देखा जाए तो करीब 60 लाख ऐसे मजदूर और किसान हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। यही कारण है कि आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इस पर चिंतन और मनन करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है दंगल 2017 में। तो आपने देखा कि आखिर बुंदेलखंड यानी कि झांसी का मिजाज क्या है। इन तमाम तरह के मिजाजों के बीच यहाँ पर भूख, प्यास और पलायन एक बड़ा मुद्दा है। क्या विकास हुआ है, और अगर विकास हुआ है तो ये विकास किसने किया है, और अगर विकास किया है तो उसके लिए कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां या कौन कौन से वो राजनेता हैं जो मानते हैं कि ये विकास हमारे द्वारा, हमारी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया गया है, और अगर किया गया है तो फिर भूख, प्यास और पलायन अब भी बरकरार क्यों है। क्या देश की राजधानी दिल्ली से बुंदेलखंड इतना दूर है, क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली से झांसी इतना दूर है, बुंदेलखंड इतना दूर है कि यहाँ के राजनेता, यहाँ के सियासत के लोग अब भी बुंदेलखंड से पानी की समस्या को दूर नहीं कर पाए, यहाँ से सड़कों की समस्या को दूर नहीं कर पाए, यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा उद्योग नहीं दे पाए हैं। और हमने एक नाम आजकल बहुत सुना है कि क्या बुंदेलखंड में एक स्मार्ट सिटी भी नहीं है। ये तमाम तरह की बातें हैं, हम सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब चुनाव सामने है। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे दाहिने हाथ पर उमेश चंद्र यादव साहब, जो कि आरएलडी के प्रत्याशी हैं, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रपाल यादव साहब, चंद्रपाल जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के चंद्रपाल यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजा बुंदेला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल राय साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम सभी लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बुंदेलखंड में विकास हुआ है तो क्यों। सबसे पहले मैं उमेश जी से पूछने की कोशिश करूंगा। उमेश जी, आपकी पार्टी या आपका चेहरा या आप खुद विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के जरिए बुंदेलखंड में क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं बुंदेलखंड में हमेशा से, हमारा बुंदेलखंड का एरिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। जो अभी आपने बताया कि बुंदेलखंड पलायन, पानी की समस्या, खनन, हीरा, पन्ना, पत्ता, ये धन, ये पैसा, ये जाता कहाँ है? सत्ताएं किसकी रही हैं? सत्ता पे काबिज कौन है? और उन खनन पे, उन जमीनों पर, उन रेत पर, उन बजरी पर, उन पत्तों पर, उन ग्रेनाइट पर, डायस्पोर पर, पेरोफ्राइट पर, हीरा, पन्ना, जवाहरात बुंदेलखंड की धरती पैदा करती है, और बुंदेलखंड की धरती नेता भी पैदा करती है। मगर दुर्भाग्य इस बुंदेलखंड की धरती का, जो हिंदुस्तान की राजनीति, मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट तक में बैठे हैं, मगर बुंदेलखंड की गरीबी, बुंदेलखंड की प्यास, बुंदेलखंड की भूख को मिटाने का काम नहीं किया है। आज हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। उमा जी, मैंने सवाल किया था जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव खजुराहो में लड़ रहा था जी, मैंने कहा उमा जी, ये बुंदेलखंड की गरीब जनता है जिन्होंने आपको आंखों पर बैठाला है, और आपको धर्म के माध्यम से, रामचरित के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आप हिंदुस्तान की राजनीति कर रही हो, और बुंदेलखंड की गरीब महिला, हमारी बहन बेटी, छह छह आठ आठ महीने के गर्भ के पेट में बच्चों को लेकर जब दिल्ली स्टेशनों पर, ट्रेनों पर चलती हैं, जाती हैं, धक्का मारती हैं, पुलिस मारती है, पलायन होता है, हम लोग छतरपुर में धरना देते हैं, सागर में धरना देते हैं, टीकमगढ़ में धरना देते हैं, तो मैंने कहा आप क्या करेंगे? मैं उस मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और मेरा संघर्ष बुंदेलखंड की, मेरी जन्मभूमि महारानी लक्ष्मी बाई की, 1857 की क्रांति जो झांसी से बिगुल फूका था, उमेश यादव बुंदेलखंड के नौजवानों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बुंदेलखंड की धरती से जीत कर जाऊंगा, और बुंदेलखंड से सामंतशाही राजनीति, गुंडागर्दी को खत्म करने का सबसे पहले काम करूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद चंद्रपाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रपाल जी, आप सत्ता में हैं, 5 साल आपकी सरकार रही है, अब और किन बातों के जरिए, किन मुद्दों के जरिए
आप बुंदेलखंड की जनता को, झांसी की जनता को विश्वास दिलाएंगे कि यह नहीं हो पाया है, हम ये करेंगे? देखिए, सुन लीजिए, देश की आजादी के बाद बुंदेलखंड ये अवश्य है कि पिछड़ा रहा है जी, और जितना ध्यान बुंदेलखंड की तरफ देना चाहिए सरकारों को, उतना ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के विकास के लिए जब 1989 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बुंदेलखंड विकास निधि का प्रावधान किया, और बुंदेलखंड को जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट होता था उसके अलावा स्पेशल पैकेज देने की व्यवस्था की, जिससे बुंदेलखंड में तमाम सड़कें, पीने का पानी, स्कूल, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हुई। और पिछले 5 वर्षों में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बुंदेलखंड की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, और विशेष रूप से झांसी की ओर। झांसी में जितना काम हुआ है कोई भी व्यक्ति ये नहीं मान सकता कि आजादी के बाद से लेकर के आज तक जितनी सरकारें रहीं उन्होंने कभी इतना काम नहीं किया जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। चंद्रपाल जी, आपसे क्या छूट गया, क्या करने जा रहे हैं, हम क्या वादे होंगे? देखिए, झांसी शहर में एक फ्लाईओवर बनना था जी, रेलवे लाइन क्रॉस करती है, बहुत से लोग एमएलए बन गए उसके नाम पे, एमपी बन गए, तमाम विभिन्न पदों पे पहुंच गए, किसी ने नहीं बनवाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री बनते ही उसको जो है बनवाने का काम किया। झांसी 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 के बीच की सड़क, झांसी के मध्य से होकर के जाती हुई सड़क 4 लेन की बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। मेडिकल कॉलेज झांसी में 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। झांसी को बहुत, हमारे कर्मचारी नेता यहां बैठे हैं जी, जानते हैं, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि झांसी को B2 का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन झांसी का B2 का दर्जा किसी ने नहीं दिया, केवल अखिलेश यादव ने दिया। अब और क्या देने वाले, अब क्या करने वाले हैं? हमने सरकार में रहते हुए किसानों की मदद की है, ओले हमारे बुंदेलखंड में ओला पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, किसान परेशान हो जाता है, उनको मुआवजा के राहत के रूप में 200 रुपए 500 रुपए मिलता था, आज 13,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार देने का काम कर रही है, लोगों को मिल रहा है 25,000, किसी को 30,000, किसी को 50,000। किसान बीमा योजना के अंतर्गत अगर दुर्घटना हो जाए 5 लाख रुपए किसानों को उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। गरीबों के लिए समाजवादी पैकेट, सूखा पड़ने पे समाजवादी पैकेट, जिसमें आटा, दाल, चावल, घी, दूध, तेल, नमक, मिर्च, यहां तक कि 25-25 किलो आलू बुंदेलखंड के लोगों को 4 महीने तक घर बैठ करके फ्री खिलाने का काम किया। आजादी के बाद से लेकर के आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई। चलिए, पूछेंगे यहां के लोगों से, पूछेंगे यहां की जनता से, पूछेंगे केवल क्या बातें यहाँ पर हुआ है, ध्यान दिया है। और आज जो अच्छे काम किए हैं, 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई है, 100 नंबर डायल करके जो है पुलिस को बुलाने का काम किया उन्होंने, 77,000 महिलाओं को झांसी में समाजवादी पेंशन देने का उन्होंने काम किया है, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं आपके पास आऊंगा, बड़ा लंबा समय है, हिसाब किताब भी करते जाएंगे। राजा बुंदेला हमारे साथ मौजूद है, राजा बुंदेला साहब आरएलडी ने बताया कि क्या कुछ करने जाएंगे, समाजवादी पार्टी ने यह भी बताया कि ये किया है और ये करने जाएंगे, क्या बीजेपी केंद्र में बैठी है, बुंदेलखंड की चिंता उसको हुई है, किन मुद्दों के जरिए आप इस चुनाव में? झांसी की जनता जी, बुंदेला जी, झांसी में हो गई आपकी, हो गई बातचीत, सुन लीजिए बताएं, आपने कहा है कि 3.5 करोड़ की आबादी में 60 लाख लोगों का पलायन हुआ है जी,
60 लाख लोग यहां से पलायन करके दूसरे शहरों में जाकर रोजगार कर रहे हैं। 58% यहां के लोगों को, आपके नेता का भी नंबर आएगा, आपके नेता का भी नंबर आएगा, बैठिए बैठिए, आपके नेता का भी नंबर आएगा, बैठिए 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 बैठिए, आपके नेता का भी नंबर आएगा, आपके नेता का भी नंबर आएगा, बैठिए राहुल भाई जरा शांत कराइए, बैठिए, अपनी अपनी बात कहने, सबको अपनी अपनी बात कहने दीजिए, 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 सबको अपनी अपनी, अब अपनी बात कहिए, अब अपनी बात कहिए, आप बोलिए बोलिए। ऐसी परिस्थिति में आप क्या सोच सकते हैं, जहां चुनाव को मुद्दा ना बनाकर, विकास का मुद्दा ना बनाकर अगर यही परिस्थितियां रहें, ऐसे में कहां कौन सा विकास होगा। ये परंपरा हमारे नेताओं ने यहां लोगों को दी है। आप बैठिए 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 जरा, सबकी सबकी बात कर, सब सबकी बात कर लीजिए, सबकी बात करने दीजिए, सब सबकी बात करने दीजिए, बैठिए बैठिए, हर नेता को अपनी बात कहने दीजिए, हर नेता को, चलिए भाई जी आराम से बैठिए, सबको अपनी बात कहने दीजिए, सबको अपनी बात कहने दीजिए, अभी आपके आपके नेता ने भी अपनी बात कही, अब दूसरों को अपनी बात कहने दीजिए, दूसरों को भी अपनी बात कह दीजिए, बताएं। मुझे लगता है झांसी की जनता ये सब देख रही होगी जी, और ये मेरे जवाब देने से बेहतर है झांसी की जनता इस बात का जवाब देगी जी। ये कहा गया है कि पिछली कई सालों से इस देश में 70 सालों में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का मिला के 5 साल, अखिलेश जी का मिला के 20 साल सरकार रही है। अगर इतने सालों इस प्रदेश में और देश में इन दो पार्टियों की सरकार रही है तो इसकी परिस्थितियां तो बदलनी चाहिए जी। यहां पर 7 नदियां हैं, आपने खुद कहा ग्रेनाइट्स है यहां पे संगमरमर है, यहां पे अच्छी खेती होती है, फिर क्या हश्र हुआ है कि आज 60% यहां का पलायन है, आप 58% यहां पर लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, 42% यहां पे लोग अशिक्षित है, यहां का आदमी रोजगार के लिए बाहर जाता है किस किन किन कारणों से, यहां तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, यहां तो इसके पहले बीजेपी का ना तो सांसद था, जो सांसद यहां पे बुंदेलखंड की बात करके गए और मंत्री बन गए उन्होंने एक बार भी बुंदेलखंड की बात नहीं उठाई। मेरा बीजेपी के साथ यही लगाव और यही झुकाव और यही मेरा मानना है कि इस देश में अगर कोई तरक्की हो सकती है, किसी भी रूप में कहीं कोई विकास हो सकता है, तो उस प्रदेश के उस क्षेत्र के लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उनको जिम्मेदारी देके उनको सामूहिक अपने साथ लेकर एक नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा, और वो नेतृत्व तभी खड़ा होगा जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। बुंदेलखंड राज्य के बने बिना इस क्षेत्र का तो किसी भी तो सरकार है, हम वही कह रहे हैं, सुनिए आप जी। और इस प्रस्ताव में अभी अगर 4 दिन पहले अगर आपने अरुण जेटली का बयान सुना हो तो उन्होंने कहा है कि हम छोटे राज्यों में बिलीव करते हैं और इस देश में छोटे राज्य होना चाहिए, तभी इसके पहले भी 3 राज्य बने, आज छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड की आप जीडीपी उठा के देख लीजिए, और बिहार और आप उत्तर प्रदेश की जीडीपी उठा, लेकिन लेकिन बड़े बड़े दुख की बात है कि स्वाधीनता के बाद से बुंदेलखंड अलग राज्य के लिए तरस रहा है, हर राजनीतिक पार्टी हर राजनेता अलग बुंदेलखंड बनाने की बात तो करता है लेकिन सत्ता में आने के बाद बुंदेलखंड अलग बन नहीं पाता है। राहुल हमारे साथी मौजूद है, कांग्रेस के प्रत्याशी है, झांसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे जनाब बैठिए बैठिए, आपके नेता का नाम आ गया, सबको सुनिए। राहुल राहुल, किन मुद्दों के जरिए, किन बातों के जरिए, किन उम्मीदों के जरिए इस विधानसभा चुनाव में आप लोगों को भरोसा दिला पाएंगे? देखिए मैं अभी सभी लोग आप बोलिए बोलिए। देखिए बताएं राहुल बताएं। देखिए जो मुख्य मुद्दा मुझे लगता है कि झांसी की जनता के लिए और बुंदेलखंड के लिए है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन रोकने का, सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को आगे रोजगार के अवसर प्रदान करने का, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का ये जो गठबंधन हुआ है वो दलों से बढ़कर दिलों का गठबंधन हुआ है, और जब ये दो युवा अपने आगे दिल मिल चुके हैं, क्या दिल मिल गए हैं,
आप दोनों के दिल मिल चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे, जिस तरीके से जिस दिन से ये गठबंधन सबके सामने आया है, निश्चित तौर पे दोनों पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे जमीनी स्तर पर हो, चाहे प्रदेशीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, दोनों के समन्वय के साथ ये चुनाव को लड़ने का काम हो रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ दो दलों के मिलने की नहीं है, ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमको लड़नी है, जो विकास को रोकने का काम लोग करते हैं उसके खिलाफ हमको लड़नी है। और आप ये देखिए कि जब भी बुंदेलखंड का मुद्दा आता है, छोटे राज्यों का मुद्दा आता है, यहाँ पर खुद उमा भारती जी मौजूद है, जो हमारी मौजूदा सांसद है, जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर विरोध हुआ, क्योंकि बुंदेलखंड की बात तो हर कोई करता है, लेकिन वो बुंदेलखंड की बात बंबई में बैठ के नहीं हो सकती। और अगर अगर हर पांच साल या दस साल में जो राज्यों की बात उठाते हैं, वो हर चुनावी समर में अगर ये बातें उठेगी, तो निश्चित तौर पे इसका कोई हल नहीं निकलेगा। उमा भारती जी भी इस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ी थी, उन्होंने कहा था कि छह महीने के अंदर वो बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करने का प्रयास करेंगी, लेकिन निश्चित तौर पर आपके यहाँ सामने जनता मौजूद है, लगता है ढाई तीन साल से, तो इन लोगों ने भी अपने बीच में उनको मौजूद नहीं पाया होगा। तो जब तक वो सांसद ही हमारे बीच में नहीं आया, जो हमारे ये एक बड़ा सवाल है, करीब करीब हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनेता ने अलग बुंदेलखंड बनाने की बात कही है, लेकिन अब तक बुंदेलखंड राज्य बन नहीं पाया। जैसा कि राजा बुंदेला बोल रहे थे कि सरकार प्रतिबद्ध है कि छोटे राज्य अगर बनते हैं तो उनका विकास होता है, और अगर हमने कहा है तो हम जरूर करेंगे, लेकिन कब करेंगे? तीन साल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मेरे साथ मौजूद हैं, नेता मेरे साथ मौजूद हैं, स्थानीय मुद्दों पर आते हैं, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार, एक मुद्दा यहां पर भी है, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैं चंद्रभान जी से पूछना चाहता हूं, चंद्रभान जी क्या, माफ कीजिए चंद्रभान जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि यहां पर बिजली को लेकर, सड़क को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, सरकारें कोई भी रही हो, आपकी सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, क्या उतना काम किया जितना करना चाहिए? और अगर नहीं किया तो जिम्मेदार कौन? देखिए, हम सबसे पहले तो हमें बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि आज हमारे बड़े भाई राजा बुंदेला जी जो है आज जो बात कह रहे हैं, इन्होंने बुंदेलखंड बनाने के लिए पहले कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और हमारे ही खिलाफ चुनाव लड़ा था, और एक नारा दिया था कि बुंदेलखंड बनाएंगे, भूल गए। इसके बाद फिर बुंदेलखंड पार्टी बनाई, सुन लो, बुंदेलखंड पार्टी बनाई, सुन तो लें, जवाब तो सुने आप, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं, आप आक्षेप लगाएंगे तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। की पार्टी बनाई आपने, किस लिए पार्टी बनाई? पार्टी में जो है बुंदेलखंड के लिए पार्टी बनाई थी, बनाने की बात कही, और आज भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, आप जवाब सुनिए, आप सुनेंगे सुनेंगे आक्षेप लगा के आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। पार्टी अगर बनाई गई थी लोकसभा के चुनाव के लिए बनाई गई थी, आप बहन की बहन उमा भारती जी ने बुंदेलखंड बनाने की बात कही थी, इसके बाद आज तक उनका पता नहीं है, वो एमपी बन गई, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी थी, केवल एक मुद्दे पर वो एमपी बन गई, ये बुंदेलखंड बनाते बनाते भारतीय जनता पार्टी आज भी बुंदेलखंड के लिए, भारतीय जी का बुंदेलखंड बनाते बनाते कोई लता बता रही है, और आगे भी बुंदेलखंड के लिए की बात, आप तो बुंदेलखंड की बात भी नहीं करते, यही जनता कहना। हम आपको बता दें कि हमने बताया सन 89 के बाद बुंदेलखंड का इस तरीके से प्रयास किया गया है कि बुंदेलखंड से पलायन रुके, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, केवल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, दोनों एक पार्टी के मिलकर बुंदेलखंड से पलायन रोकने का काम किया है, और आज बुंदेलखंड से पलायन रुका है। यहाँ पर शिक्षा की, जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो भी मिली है, यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था हुई है, बिजली की भी व्यवस्था, लोग 60 लाख लोग क्यों चले गए, बिजली क्यों, शिक्षा है, आप भारत में रोजगार की थी, उद्योगों की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, कि पृथक बुंदेलखंड पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के विपरीत कसे खड़ी हुई हैं। रहा सवाल पलायन का, झांसी की जनता को, बुंदेलखंड की जनता को मैं बड़े गौर से यह बताना चाहता हूं कि रहा सवाल पलायन का, तो मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े सरकार के हैं, ये आंकड़े सरकार के हैं। उत्तर प्रदेश के 32 लाख, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के 32 लाख
किसान और मजदूर पलायन कर चुके हैं, और अगर दोनों राज्यों के बुंदेलखंड को मिला लिया जाए तो 60 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। और इस मामले पर अंतर मंत्रालय समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में पड़ी हुई है, और प्रधानमंत्री कार्यालय चाहे उस वक्त की सरकार यानी कि यूपीए सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनने भी उसके बारे में नहीं सोचा। 2009 और 10 की सरकार थी, और चाहे इस वक्त की सरकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो, उन्होंने भी इसके बारे में अब तक नहीं सोचा, क्योंकि पलायन एक मुद्दा है। कैराना का पलायन बड़ा होता है, लेकिन बुंदेलखंड के पलायन की चिंता किसी को नहीं होती है, क्योंकि वो वोट दलाऊ है और ये वोट दलाऊ नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर से समझने की कोशिश करेंगे बुंदेलखंड के दर्द को। आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बुंदेलखंड की जमीन पर उन तमाम मुद्दों को लेकर। बुंदेलखंड यानी कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के वो 7 जिले जिन्हें लेकर तमाम तरह की समस्या है। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि हमने बहुत कुछ किया है, और अगर बहुत कुछ किया है तो भारत के नक्शे पर, उत्तर प्रदेश के नक्शे पर आखिर क्यों पीछे है बुंदेलखंड। हम चर्चा कर रहे थे यादव साहब से। राजा साहब, आपने तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आपकी सरकार नहीं हो, ऐसा नहीं है कि केंद्र में आपकी सरकार नहीं हो। केंद्र में झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, और उसमें भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। उमा भारती जो कि यहां की सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बहुत सारे वादे उन्होंने भी किए थे, वादे उन्होंने पृथक राज्य के भी किए थे और बुनियादी समस्याओं को लेकर भी किए थे। क्या आप मानते हैं कि वो जो बातें की गई थी वो सब पूरी हो रही? आपकी बात का जवाब देने के पहले मैं चंद्रपाल भाई साहब की बात का जवाब दे दूं जी, और इस झांसी की जनता को जवाब दे दूं। मैंने पूरी जिंदगी जीते जी और मरते मरते तक भी केवल बुंदेलखंड की बात कही। एक मिनट सुनिए, अभी मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए उसके बाद सुन लीजिए। अपना सिनेमा भी मैं यहां लेके आया जी, यहां के लोगों ने सिनेमा की शूटिंग तक नहीं देखी थी। मैंने कांग्रेस पे अगर चुनाव लड़ा तो केवल बुंदेलखंड के नाम पर लड़ा। मैंने अपनी पार्टी बनाई केवल बुंदेलखंड राज्य के लिए पार्टी बनाई, और आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं तो केवल बुंदेलखंड के लिए साथ हूं। और जब आपसे मेरी चर्चा हुई थी तो मैंने खुल के कहा था कि मैं बुंदेलखंड की बात करूंगा और बुंदेलखंड के ही विषय पर मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूं, यही बात हुई थी। अब मैं आ जाऊं, देखिए इस 3 साल के अंदर जो कुछ हुआ है वह हमारे सबके सामने है। हमने कहां से क्या क्या कौन कौन सी नीतियां उठाई हैं, अगर उसमें कहीं यह हो कि बुंदेलखंड राज्य या दूसरे पूर्वांचल और विदर्भ अगर माइनस हो तो मुझे बताइए, मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूं। आज भी पार्टी इस स्टैंड लेती है कि छोटे राज्यों के लिए हम तैयार हैं, हमारा पक्ष छोटे राज्यों के लिए है। अगर वो पार्टी ये कहती है, और जिसने उमा भारती ने अगर यहां कहा इस शहर में, तो उमा भारती जी इसकी जवाबदेही है, व्यक्ति विशेष की जवाबदेही मैं नहीं ले सकता हूं। लेकिन जहां तक पार्टी की बात है, या पार्टी से सामने चर्चा हुई बुंदेलखंड राज्य के लिए चर्चा हुई, और मैं भी अभी भी मानता हूं, और आप सब लोग हैं यहां पे, कोई भी पार्टी जीते, कोई भी कैंडिडेट जीते जी, लेकिन आप ये मान के चलिए क्षेत्र का विकास बगैर राज्य के बने संभव नहीं, क्योंकि जो बंटवारा होता है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में होता है। क्या बीजेपी बना देगी, अलग राज्य बना देगी? ये कह रहा हूं, सुन लीजिए, इस प्रदेश को, क्षेत्र को जरूरत है तो केवल एक राज्य की जरूरत है। जो ये लोग जो डंडा झंडा 6-6 साल नेताओं के लेके घूमते हैं, इनको जिम्मेदारियां देने की जरूरत है। ये दूसरे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खपा रहे हैं, जब ये अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना रोजगार उठाएंगे तो ये इस प्रदेश का भला होगा। इस प्रदेश का भला किसी के पीछे तुम आगे बढ़ो भैया, हम संघर्ष करो तुम साथ हैं, इससे नहीं होगा। हमें ये जानना है कि हमारा सोना कौन ले जा रहा है, हमें ये जानना है 7 नदियों का पानी कौन लेके जा रहा है, हमें ये जानना है पन्ना से हीरे कौन लेके जा रहा है, हमें ये जानना है ये फास्फोरस कौन लेके जा रहा है, तभी तो आप तरक्की कर पाओगे, ना कि ये थोड़ी तरक्की कर पाएंगे। और ये जो है क्या इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? इससे बड़ा नुकसान हो सकता है कि दो पार्टियां मिल गई, एक बेहाल और ये महाबेहाल, दोनों मिलकर आप कह रही हैं जो कांग्रेस कहती थी कि 27 साल यूपी बेहाल
और अब आप देखिए एक दूसरे के गलियां लग गए हैं। जिसने 55 साल इस देश को बर्बाद किया हो, जिसने 20 साल इस प्रदेश को बर्बाद किया हो, अब इस देश को संभालने की जिम्मेदारी राहुल आपके ऊपर आरोप है। देखिए जहां तक हमारे झांसी में जो सबसे बड़ी जरूरत लोगों की है, वो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो चाहते कि वो उनके बीच में रहें। जब तक वो प्रतिनिधि बीच में ही रहेंगे, वो जनता की समस्या को कैसे जानेंगे। आज जब भी चुनाव के मैदान में हम लोग उतरे हैं, वो वार्डों में जा रहे हैं जिनके ऊपर पूरे देश के जल संसाधन की जिम्मेदारी है। आज झांसी के कई इलाके पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं, तो क्या उनका माननीय सांसद का मंत्री का ये उनका दायित्व नहीं बनता कि सबसे पहले अपने क्षेत्र के जहां से उनके लोगों के वोट लिए हैं, जिम्मेदारी दी गई है, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करें। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 29 की एक समस्या है, लोगों ने वोट ना देने की अपील कर रखी है। और इनके जो प्रतिनिधि है, विधायक यहाँ पे बीजेपी के हैं, मेयर यहाँ पे बीजेपी के, और 3 साल से सांसद बीजेपी की है। तो जो भी ये सारे स्थानीय मुद्दे, अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है, वो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, उनके प्रतिनिधि जिम्मेदार है, और राजा बुंदेला जी भी उतने ही जिम्मेदार है। क्योंकि 10 साल अगर आप हर 10 साल में आके चुनाव के मुद्दे में चुनावी मुद्दा बनाएंगे, तो उससे बुंदेलखंड बनने वाला नहीं है। ये निरंतर लड़ने वाली लड़ाई है। और लेकिन क्या आपकी सरकार ने ये किया? क्या आपकी सरकार ने किया? देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये किया? कांग्रेस के नेता ने किया? राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी, जितना ध्यान बुंदेलखंड के लिए इन दोनों युवा नेताओं ने दिया है, तभी शायद ही किसी ने दिया। बुंदेलखंड के पैकेज से पानी मिल गया? नहीं नहीं, बिल्कुल 7,500 करोड़ रुपए जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए आवंटित हुए थे, बिल्कुल। आज आप जाके आप यहाँ रहेंगे तो आपको पता है आप बंबई में रहेंगे, यहाँ पता नहीं चलेगा क्या हुआ। अरे आप पिक्चर बंबई में बनाएंगे, हर चीज पिक्चर नहीं होती है। आप सोचे नहीं, चैनल के आंकड़े बता रहे हैं। चुनाव में हीरो बन के यहाँ आएंगे, जनता आपकी बनेगी, वो नहीं होगा। आप यहाँ पर जब रहेंगे, मैं माननीय अपने छोटे भाई राहुल जी से पूछना चाहता हूँ कि जब बुंदेलखंड के अंदर, झांसी के अंदर माननीय प्रदीप जी सूती मिल पे खड़े होकर और सूती मिल के कर्मचारियों को लेकर रोडों पे धरना दिया करते थे, आज वो सूती मिल 95 से लेकर आज तक बंद है, और वो प्रदीप जी इसी धरती से विधायक से लेके एमपी और कैबिनेट मंत्री बने, बिल्कुल कुछ किया? बिल्कुल किया, कोई काम नहीं, बिल्कुल किया। और मैं हल्ला बोल सेना के, उन्होंने उन लोगों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज उठाने का काम किया। ये हल्ला बोल से बिल्कुल, ये हल्ला बोल शांत रखिए, ये हल्ला बोल शांत रखिए। लेकिन 5 वर्षों से 95 से लेके और आज आप पानी की बात करते हैं। माननीय हमारे बड़े भाई बुंदेला जी यहाँ बैठे हैं, और मैं रवि विधायक से पूछना चाहता हूँ, करगुआ जी से लेकर और हमारे पिछोर मेडिकल, आप बिजोली चले जाइए, आज अगर 25 साल पहले 30 साल पहले जो बिजोली था, आज जो गुमडावारा मेडिकल कॉलेज हार्ट ऑफ सिटी के अंदर, जहाँ तक लोग विकास की बात करते हैं, नगर निगम का आपने टूका दर्जा दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय चंद्रपाल जी को। राज्य वो होता है, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी जब मऊरानीपुर में आए थे, जब राजनाथ सिंह जी मऊरानीपुर में आए, तो मऊरानीपुर में उन्होंने घोषणा की थी कि मोदी जी की सरकार बनते ही हम बुंदेलखंड राज्य की बात करेंगे। आज मैं भाई बड़े भाई से कहना चाहता हूँ, बुंदेला जी से, आप बुंदेलखंड के लिए जी रहे हैं, बुंदेलखंड के लिए मर रहे हैं, बुंदेलखंड का नौजवान आपके लिए हमेशा देखता रहा है। जाइए राजनाथ सिंह और मोदी जी से कहिए बुंदेलखंड राज बनाने का काम करें। अरे ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 3 साल हो गए, मुझे अच्छे से याद है कि केंद्र में मंत्री उमा भारती ने कहा था कि 3 साल में हम प्रत्येक बुंदेलखंड की कार्रवाई पूरी कर देंगे, कहा हुआ बुंदेला जी? ये मुद्दा बेईमानी, पहले जवाब मिले, मुद्दा बेईमानी। राज्य का मुद्दा आपस में दो राज्यों में, चंद्रपाल जी इनका जवाब दे दें, फिर आप सवाल सकते हो जी, बताए। देखिए राज का मुद्दा दो राज्यों के बीच में है जी, एक प्रदेश को दो राज्यों में से कट के बंटना है, किसका भूभाग कितना होगा,
किसका पानी कितना होगा, घोषणा करते वक्त क्यों नहीं की जाती, घोषणा पत्र में जिक्र करते समय क्यों नहीं सोचा जाता? अरे दो राज्यों की बात हो, आप कह रहे हैं घोषणा पत्र में, आप बीजेपी का घोषणा पत्र उठा के देखिए उसमें छोटे राज्यों की बात, चुनावी सभा में क्यों कहा जाता है तीन साल में अलग बुंदेलखंड होगा? फिर कह रहा हूँ मनोज जी, वो उनका आंकलन है, लेकिन जहां तक मैं कह सकता हूं, नहीं नहीं छह महीने में ये नहीं बोला था, तीन साल अच्छा चलिए वो बोला था, ये भी बोला था, दो दिन खाना देना आएगा, ये बोला मुद्दा दो राज्यों के बीच में कितनी बिजली, अरे आप सांसद हैं आप इनसे पूछिए, इतना मामूली नहीं होता, पानी का बंटवारा होना है, बिजली का बंटवारा होना है, राज मैं पिछले छह महीने से बाकायदा बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, बहुत सारा बजट भी आता है। मैं चंद्रपाल जी से पूछना चाहता हूँ, चंद्रपाल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। बुंदेलखंड में या झांसी में किसी को भी बीमारी होती है, बहुत बीमारी से परेशान होता है, तो वो झांसी आने की बजाय, झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचने की बजाय वो ग्वालियर की तरफ देखता है, वो दिल्ली की तरफ देखता है। क्या पांच साल में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं हो पाई? यहाँ के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने न जाने कितने ऐसे प्राइवेट डॉक्टर्स के मेडिकल दुकानें बनी हुई हैं, जहां पर इलाज के लिए क्या ये हो रहा है, क्या स्वास्थ्य को लेकर ये नहीं हो सकता, आप नहीं सोच सकते? पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का काम किया गया है। हमने बताया कि माननीय अखिलेश यादव जी झांसी आए थे, यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज में बुंदेलखंड के लोगों का तो दबाव है ही, बल्कि मध्य प्रदेश के एरिया का बहुत बड़ा दबाव है। इस वजह से माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का सुसज्जित अस्पताल मेडिकल कॉलेज में सेंक्शन किया और आज बनकर के खड़ा है। उमेश जी सही है, तैयार है, और उमेश जी सही है, आज जिला अस्पतालों की जो हालत है, कहीं से तमाम पिछले लंबे वर्षों से जो जिला अस्पतालों में दवा नहीं मिलती थी, मरीजों का इलाज नहीं होता था, सफाई नहीं रहती थी, आज जिला अस्पताल में जाकर के अगर देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में काम किया है। दूसरी तरफ यादव साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज के 90% डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक खोलकर चला रहे हैं? क्या यहाँ नहीं लगता कि मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने 50 बड़ी मेडिकल सेंटर खोले हुए हैं? देखिए ये जो है, जो नर्सिंग होम्स है वो सब जगह है, कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में इलाज होता है, मेडिकल कॉलेज में इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है, गरीबों का इलाज होता है, और जो गंभीर बीमारियां हैं जिसमें कैंसर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, उसमें गरीब लोगों का इलाज फ्री किया जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनका खर्चा बाहर करती है। ठीक है, आप सहमत है, क्या बात है, सुर मिल गए, क्या बात है, ये साफ पसंद है, यूपीए सरकार के वक्त, गुलाम नबी आजाद जी यहाँ आए थे और इसी मेडिकल कॉलेज में एम्स का दर्जा देने का काम उन्होंने किया था, और यही राजा बुंदेला जी यहाँ मौजूद है जो आज 10 वर्ष के बाद यहाँ आए। लेकिन मध्य प्रदेश का जो माननीय छोड़ दीजिए, अगर सब जवाब था जो यूपी बहाल 27 साल यूपी बहाल क्यों, मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रों का जो वहाँ पर थे लोग यहाँ पर आते हैं अपने इलाज कराने का, उनका ज्यादातर दबाव है। आज पंद्रह साल मध्य प्रदेश में सरकार है, ये इसका जवाब कौन देगा? आप बताइए, अभी एक मेडिकल कॉलेज तैयार होने वाला है रजिया में, उसके अलावा पिछले 15 साल में किसी भी जिले में बुंदेलखंड के कोई मेडिकल कॉलेज खोलने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से सारा दबाव हमारे जाति मेडिकल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बुंदेलखंड के सियासी आंकड़े समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। दंगल में आज बात वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के इलाके झांसी की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले शहर झांसी में सदर, मऊरानीपुर, बबीना और गरौठा को मिलाकर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2 पर SP, 1 पर BJP और 1 सीट पर BSP का कब्जा है। उधर झांसी लोकसभा सीट से 2014 चुनाव में बंपर वोटों के साथ साध्वी उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद किया था।
अब बात 2012 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट गणित की। झांसी शहर सदर विधानसभा सीट से 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 31.36% वोटों के साथ जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 55.29% वोट मिले, बीएसपी को 27.58 और 13.51 तो एसपी को 18.52 और 18.19% वोट मिले। कांग्रेस को 17.34 और 11.22% वोटों के साथ संतोष करना पड़ा। मऊ रानीपुर विधानसभा सीट पर एसपी को 29.10% वोट के साथ जीत दर्ज हुई तो लोकसभा में पार्टी को 35.93% वोट मिले, बीएसपी को 26.25 और 19.66% वोट और बीजेपी को 20.58 और 35.62% वोट मिले। कांग्रेस को 18.15 और 5.41% वोटों से संतोष करना पड़ा। बवीना विधानसभा सीट पर बीएसपी ने 34.18% वोट के साथ परचम बुलंद किया। लोकसभा में पार्टी को 14.07% वोट मिले, एसपी को 30.69 और 38.28%, बीजेपी को 22.22 और 40.18%, कांग्रेस को 6.44 और 4.22% वोट मिले। गरौठा विधानसभा सीट पर एसपी ने 33.72% वोटों के साथ जीत दर्ज की। लोकसभा में पार्टी को 22.22% वोट मिले, बीएसपी को 26.11 और 22.68%, कांग्रेस को 21.66 और 5.26% और बीजेपी को 9.21 और 47.24% वोट मिले। आइए अब देख लेते हैं 2017 के चुनावी दंगल में कौन कौन से दिग्गज भाग आजमा रहे हैं। झांसी शहर विधानसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक रवि शर्मा इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने यहां राहुल राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी से सीताराम कुशवाहा को इस बार दंगल में उतारा गया है। मऊ रानीपुर सीट पर एसपी ने मौजूदा विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या को मौका दिया है। बीएसपी ने यहां बीजेपी छोड़कर आए प्रागीलाल अहिरवार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए बिहारी लाल आर्य को टिकट दिया है। बवीना विधानसभा सीट पर बीएसपी ने मौजूदा विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत को टिकट दिया है। एसपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह के बेटे यशपाल सिंह यादव मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी से उमा भारती के खास राजीव सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। गरौठा सीट पर एसपी ने दो बार विधायक रहे दीप नारायण सिंह यादव इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। बीजेपी ने किसान नेता जवाहर सिंह राजपूत और बीएसपी ने अरुण मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बुंदेलखंड की और बुंदेलखंड के तमाम सियासत से जुड़े लोगों से हिसाब किताब भी कर रहे हैं कि क्या वाकई उन्होंने कुछ किया है। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। यादव साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का, क्योंकि बुंदेलखंड में दो समाज हैं, एक समाज शोषक है और एक समाज शोषित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मानते हैं कि बुंदेलखंड की जमीन पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति अच्छी है? आपने भले ही 100 नंबर की गाड़ी खड़ी कर दी हो, लेकिन अवैध उत्खनन यहाँ होता नहीं है और बाकी जो पीड़ित लोग हैं उन्हें उस तरीके से न्याय मिल जाता जिसकी दरकार होती है? देखिए, जब किसी पीड़ित की कोई शिकायत आती है जी, तो निश्चित रूप से उस पीड़ित को न्याय दिलाने का काम किया जाता है। हमने बताया था कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए उनकी शोहरत पूरे प्रदेश में बढ़ी है। अब जब विपक्षी लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं मिलता था तो केवल एक ही मुद्दा होता था कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है जी, कोई उसका पैमाना नहीं होता, उसके आंकड़े होते हैं। आंकड़े उठा करके देख लेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, उस समय कितनी हत्याएं हुई, कितनी डकैती पड़ी,
कितने मर्डर हत्याएं हुई और कितने जो है लूट हुई, कितने जो है सपा सरकार में अवैध उत्खनन नहीं हुआ, क्या सपा सरकार में अवैध रेत उत्खनन नहीं हुआ, क्या सपा सरकार में कब्जे नहीं हुए, क्या सपा सरकार में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, वो जो अपराधी लोग हैं वो आज जेल में हैं। कोई किसी भी अपराधी को यादव साहब सही बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कभी संरक्षण नहीं दिया और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से किसी भी अपराधी को टिकट नहीं दिया, नकार दिया सब लोगों को। यादव परिस्थितियां उमेश जी, उमेश जी अपराधी को उमेश जी चंद्रपाल जी सही बोल रहे हैं, ऐसा है ये। अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, शांत हो जाओ। अगर चरित उतारेंगे तो सबका हल्ला बोल धरा रह जाएगा। ये हल्ला बोल का काम है। अगर घटनाएं शुरू कर देंगे तो बहुत सारी घटनाएं हैं बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा के देखो, बुंदेलखंड की घटनाएं देखो, आपके सामने पूरा चेहरा खाली हो जाएगा। तो क्या उमेश जी, क्या उमेश जी, उमेश जी क्या सांसद जी सही बोल रहे हैं? उमेश जी क्या सांसद जी सही बोल रहे हैं? अगर झांसी के नौजवानों, झांसी के माताओं बहनों बुजुर्गों, अगर झांसी को बचाने का काम नहीं किया तो बुंदेलखंड लुट जाएगा। उमेश जी सामंती मानसिकता बुंदेलखंड के अंदर पैर जमा चुकी है। उमेश जी नौजवानों को जागना होगा बुंदेलखंड। उमेश जी झांसी के लोगों को जागना होगा। उमेश जी किसी की बात नहीं करना। ये कहते कहते तो न जाने कितनी सरकारें बन गई। मैं ये कह रहा हूँ कि सांसद जी जो बोल रहे वो सही है। सांसद जी आंकड़ा बता दें क्या क्या सही है, नहीं तो हम लोग हमने ये बात कही है। राजा जी उमेश जी आंकड़ा नहीं बता पा रहे। आप सांसद हैं, हमने ये बात कही है। हमें मालूम था आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। रवि विधायक जी यहाँ है नहीं है, महापौर है नहीं है, माननीय कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी है नहीं है। झांसी खत्म हो रही है, झांसी लुट रही है। झांसी को बचाना होगा, झांसी के लोगों स्वाभाविक है। और जहाँ लोग होंगे वहाँ घटनाएं होती है। ये और घटनाओं ये अखबार दिखा रहे हैं, देखने की बात यह है। ये अखबार दिखा रहे हैं, देखने की बात यह है। ये इसमें लिखा है सरकार कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, आप भी कहे हैं लोगों के खिलाफ से सख्त कार्रवाई हुई है। पूरा कुश्ती देखने की बात यही लेके आए थे हम, कहा ये जरूर आप बोलेंगे। ये हम एक एक सारे ये जो ये हम नहीं मानते किया गया हो, और अपराधियों के खिलाफ सरकार ने पूरी कार्रवाई की केवल देखने की बात है। कार्रवाई की है, उसका फल क्या निकला जी? कार्रवाई की है, फल क्या निकला मुझे बताइए ना। आप तो यहाँ तो रामराज हो जाना चाहिए था, तक अपन चैन होना चाहिए था। यहाँ तो किसी ने आज आप ही खुद कह रहे हैं, आपके आंकड़े हैं क्या खनन हुआ है, आप ही यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ पे अस्पतालों की दुर्दशा क्या है, यही आप कह रहे हैं कि शिक्षा के क्या हालात हैं। आप ही ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा है। अगर ये बात जो कह रहे हैं पांच साल में अखिलेश सरकार ने सब कुछ किया तो यहाँ तो रामराज हो जाना चाहिए, यहाँ तो कहीं कोई समस्या थी। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि राम के जरिए आपकी सरकार आए उसके बाद रामराज हो? एक परिवार के 85 सदस्य उस पार्टी के सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पर बैठे हो, 85 सदस्यों ने समाजवाद को नाम दे दिया, ये हमारा परिवार है। सब आप तो पर आरोप, ये बार बार लगता है, ये परिवार का आरोप बार बार लगता है कि आप परिवार को पढ़ावा देते हैं, सत्ता में आपका परिवार दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी में हाल और बदहाल है, समाजवादी पार्टी में कोई एक भी आदमी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा पार्टी के नेताओं के द्वारा नॉमिनेट नहीं किया गया। जो भी है वो जनता ने चुन करके भेजे हैं, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हो, पार्लियामेंट के मेंबर हो, चाहे असेंबली के मेंबर हो, उनको टिकट दिया गया, जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिता करके भेजा है, किसी की कृपा पे नहीं है। अगर उन परिवार में इस प्रदेश की जनता के लिए, लेकिन परिवार के लोगों को टिकट तो आपकी पार्टी भी देती है, परिवार के लोगों को टिकट तो आपकी पार्टी भी देती है। पार्टी में काम किया है, दादरी में जब हत्याएं हो रही थी तब सैफई में सलमान नाच रहे थे, सैफई में सलमान नाच रहे थे। अब इस विकास की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए ना कि कहां से कौन सा विकास। सुर में सुर मिला लीजिए राहुल, सुर में सुर मिला लीजिए। 15 लाख रुपए कहां है, 15 लाख कहां है वो?
दिक्कत ये जुमले वालों की सरकार है, 15 लाख रुपए हैं कहाँ, किसके खाते में आए 15 लाख? लेकिन 15 लाख की बार बार बात होती है। पहले आप चुनाव में कहते हैं कि 15 लाख मिल जाएंगे, ब्लैक मनी आएगा, तो उसका बाद में कहते हैं कि जुमला है। ये बड़ा संकट हो गया आपके लिए। ऐसा लगा कि कोई राजनेता वादा नहीं कर रहा है बल्कि किसी फिल्म का डायलॉग बोल रहा है। आकलन भी है उसके, उसमें सारी चीजें ये कही गई कि किस हिसाब से, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं बढ़कर किसी के अकाउंट में जाना था। 15 लाख के हिसाब की सुविधाएं, 15 लाख के हिसाब से आपको जो मिलेगा, आपका जो औचित्य जो गेन है, ऑटोमेटिक गेन है, वो वही था। अब हम इनको क्या कहें, इन्हीं ने तो कहा था दादरी और सैफल वाला मामला ये कांग्रेस का ही था जिसमें सबसे पहले राहुल गांधी गए थे। आप ये जवाब देना, जवाब दे, सबसे पहले हम नहीं गए थे। जवाब दे, दिक्कत ये है, बंबई से चीजें साफ नहीं दिखती है। बंबई में सिर्फ जू भी जो कुलाबा दिखता है, और बुंदेलखंड की जब बात आती है तो बुंदेलखंड में रह के बुंदेलखंड दिखेगा। बंबई से बुंदेलखंड देखना अगर कोई व्यक्ति कोशिश करेगा वो सिर्फ टीवी के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से। आपका आरोप यह है कि मुंबई से ये बुंदेलखंडी, बिल्कुल, और हर दिल्ली से नरेंद्र मोदी, हर 5 साल में बुंदेलखंड में चले गए। मनोज जी, हम कहीं से भी कहते हैं, हम मातृभूमि की बात तो कर रहे हैं, हम चाहे बॉम्बे से कहते हैं, चाहे हम कहीं से शिकोहाबाद से, लेकिन दिल्ली से बुंदेलखंड, दिल्ली से बुंदेलखंड, देखिए दिल्ली से बुंदेलखंड क्या वाकई किसी को दिखा? क्या दिल्ली से बुंदेलखंड कांग्रेस को दिखा? क्या दिल्ली से बुंदेलखंड बीजेपी को दिखा? जनता मना कर रही है। आज तक बुंदेलखंड के लिए एक आंदोलन किया हो तो बता दो। हमने सबसे ज्यादा हमने यात्रा की, आपने सिर्फ, आपने इन लोगों, इन्होंने सिर्फ पार्टियां बदलने का आंदोलन किया है, उसकी पार्टी बनाने का आंदोलन किया है, और अब ऐसी पार्टी में आ गए। राहुल जी, उनकी भी सरकार है, आपकी भी सरकार केंद्र में रही है। 2005 से लेकर 2015 तक 4000 किसानों ने आत्महत्या की है, और प्रशासन अक्सर यह कहता है कि पता नहीं किस लिए की होगी, परिवार में कोई अजीब सी स्थिति होगी, प्रशासन उस पर रिपोर्ट बताता है, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों का दर्द आज तक किसी ने समझा नहीं है। देखिए, अगर आप यूपी सरकार की बात करेंगे, मायावती जी की गवर्नमेंट थी 2007 में, आप जानते हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी बुंदेलखंड में काम करने की, इसीलिए राहुल गांधी जी ने, यूपीए सरकार ने, चाहे वो मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन उनकी सीधी सीधी कोशिश ये थी कि बुंदेलखंड के लोगों को लाभ पहुंचे, और उन्होंने दोनों राज्यों के लोगों के लिए पैसा भेजा, उन्होंने ये नहीं किया। दोनों राज्यों में हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर नहीं है, लेकिन बसपा की मुख्यमंत्री मायावती ने जरूर अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जो अभी तक धूल खा रहा है। केंद्र की सरकार ने उस पर विचार नहीं किया जी, में ये प्रस्ताव नहीं आया जी केंद्र में, केवल नो केवल स्टेटमेंट दिया, कभी विधानसभा में ये प्रस्ताव पास होकर के नहीं गया। लेकिन बसपा कहती है कि हमने केंद्र में भेजा, हमने प्रस्ताव भेजा, बिल्कुल गलत, कभी विधानसभा में ये प्रस्ताव नहीं आया। वो राज्य का मुद्दा राज्य का है ही नहीं, किसी भी स्टेट के लेवल का मुद्दा राज्य बनाने का नहीं है। मायावती ने वो प्रस्ताव पास किया हो या नहीं किया हो, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुंदेलखंड की सरजमी झांसी से मैं इस वक्त बोल रहा हूं। हमारे एक साथी हैं पॉपुलर मेरठी, वो कई सालों से टिकट मांग रहे हैं, टिकट उन्हें मिला नहीं है, लेकिन अपने इस दर्द को वो किस तरीके से बयां करते हैं आपको गौर से दिखाते हैं। दोस्तों, मैं चुनावी दंगल में आपके सामने मौजूद हूं, और देख रहे हैं कि आप भी देख रहे हैं कि सब इस दंगल में उतर चुके हैं, सब अपने अपने वादों के साथ कि वो जीतने के बाद क्या क्या करेंगे। तो बहरहाल मैं भी आपके सामने हूं और इस चुनावी दंगल में, वो सिख हो, हिंदू, मुसलमान या हो ईसाई, वो सिख हो, हिंदू, मुसलमान या हो ईसाई, मेरी नज़र में सब ऐसे हैं जिस तरह भाई,
मेरी नज़र में सब ऐसे हैं जिस तरह भाई, अगर किसी पे किसी किस्म की बला आई, अगर किसी पे किसी किस्म की बला आई, मैं खैर ख्वाह नज़र आऊँगा सभी के लिए, मैं खैर ख्वाह नज़र आऊँगा सभी के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। किसी जलसे में एक लीडर ने यह ऐलान फरमाया, किसी जलसे में एक लीडर ने यह ऐलान फरमाया, हमारे मंत्री आने को हैं, बेदार हो जाओ, हमारे मंत्री आने को हैं, बेदार हो जाओ। यकायक लाउड स्पीकर से गूंजा फिल्म का नगमा, वतन की आबरू खतरे में, होशियार हो जाओ। देखें, इनके झांसे में ना आना शहर वालों होशियार, इनके झांसे में ना आना शहर वालों होशियार। मेंबरी के वास्ते जितने भी हैं उम्मीदवार, मेंबरी के वास्ते जितने भी हैं उम्मीदवार, मुल्क की कश्ती न फंस जाए भंवर में पॉपुलर। ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सूद पर लेकर उधार, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सूद पर लेकर उधार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर जगह मुद्दा होता है युवाओं का, युवाओं का मुद्दा इसलिए भी होता है क्योंकि रोजगार एक बड़ा कारण होता है। बुंदेलखंड में उद्योगों की स्थिति बड़ी अजीब बनी हुई है, कोई नया उद्योग यहाँ आ नहीं रहा है। यही कारण है कि बुंदेलखंड की जमीन से यहाँ की लेबर आपको देश के तमाम महानगरों में मिल जाएगी, आपको तमाम ट्रेन पर मिल जाएगी, और वो अगर वहाँ गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं तो आप जाइए और पूछिए, और पूछेंगे तो पता चलेगा ये बुंदेलखंड की लेबर है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के 32 लाख किसान और मजदूर का पलायन हुआ है। पानी यहाँ की बड़ी समस्या है। सभी राजनेता यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उमेश जी भी हैं, यादव साहब भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद हैं और कांग्रेस के भी मौजूद हैं। यादव साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पलायन को लेकर, बुंदेलखंड के पलायन को लेकर दर्द क्यों नहीं होता? कहराना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता है, और अगर वहां से पलायन होता है तो वो बड़ी खबर हो जाती है, वो बड़ा मुद्दा हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री तक इस पर चिंता करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंता करते हुए एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर पलायन होता है तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय में फाइल और रिपोर्ट धूल खा रही होती है 2009 और 2010 से। उस पर चिंता क्यों नहीं, उस पर दर्द क्यों नहीं, उस पर आंसू क्यों नहीं? देखिए, जो बुंदेलखंड में पानी की समस्या है बिल्कुल गंभीर है, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। जो आजादी के इतने जो संसाधन बनना चाहिए वो संसाधन नहीं बन पाए, लेकिन हम लोग जब सत्ता में आए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी है। आपको बता दें कि अभी एरच का डैम बन रहा है, बहुत बड़ा डैम बन रहा है जिससे एक पूरा गरौठा तहसील को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। और शायद हमारे बुंदेला जी को पता नहीं होगा, 2005 में केन और बेतवा को जोड़ने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव और गौर साहब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनके बीच में ये करार हुआ था। कितने साल पहले? ये 2005 में। लेकिन तो अब बीजेपी कहेगी कि उसकी सहमति तो हमने दी है। नहीं नहीं नहीं, सहमति कुछ उसका नहीं, प्रारूप तो उसने पास किया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी कौन है जी? 3 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहते, 3 साल हो गए, और इत्तफाक है कि इस क्षेत्र की सांसद बहन उमा भारती जी उसी विभाग की मंत्री है। तो उन्होंने सैद्धांतिक मजदूरी दे दी, क्या मंजूरी दे दी? तीन साल बाद मुझे जानकारी है कि केन बेतवा परियोजना देवेगौड़ा जी के समय की है और इतने साल तक वो फाइलों में धूल खा रही थी। अब बीजेपी कह रही है कम से कम हुआ तो सही। देवेगौड़ा जी के समय की नहीं है, हम आपको बता दें, हम उसमें बीच में करार में हम लोग भी गए थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी 2005 में मुख्यमंत्री थे। मैं मानता हूं उस समय प्रस्ताव बना हुआ था देवेगौड़ा जी के समय, और जब मुलायम सिंह जी और बाबूलाल गौर साहब जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समक्ष दोनों के बीच प्रस्ताव हुआ था। लेकिन कितने साल हो गए? उसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार हो गई, डिटेल रिपोर्ट तैयार हो गई, सारे सर्वे हो गए, सारी चीजें होने के बाद जो बिल्कुल प्रधानमंत्री के टेबल पे जो फाइल थी उसको सेंक्शन करने में 3 साल इनने लगा दिए। सांसद जी, और आपने कितना लगाया? क्या आरोप लगाए? लेकिन बुंदेला जी, एक सवाल है, जो आपने केन और बेतवा का ये जो किया है समझौता, उसमें बुंदेलखंड को ही नुकसान होने वाला है? नहीं होने वाला। अब मेरा सवाल जवाब तो सुन लीजिए आप। नहीं तो इसके लिए तो बीजेपी बाबा ही लूट रही है, आपकी मंत्री बाबा ही लूट रही है, उमा भारती बाबा ही लूट रही है।
सबसे ज्यादा अगर किसी नुकसान होगा तो बुंदेलखंड को होगा। यहाँ सात आप उमा भारती का विरोध करेंगे? आपको बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, आप सुनो इनकी बात। सात बुंदेलखंड की सात नदियों का पानी डाइवर्ट होगा यहाँ से, वो उस जगह जाएगा जहाँ पर सत्ता एकत्रित होगी। बुंदेलखंड के 27 MLA हैं, बुंदेलखंड में 27 MLA हैं जो अपनी बात को उत्तर प्रदेश में नहीं रख पाएंगे। यहाँ का पानी, जो सिंचित पानी हमारा आपका था, जो बुंदेलखंड और झांसी की यहाँ की जनता का था, वो पानी आपको नहीं मिलेगा, वो पानी तय होगा। उमा भारती जी जिसकी वाई वाई लूट रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का गाना गा रही है और हमारे उनके प्रतिनिधि, तो आप ये बोलिए ना कि उनका उन्होंने गलत निर्णय लिया। जी हम सांसद जी से यही कह रहे हैं कि आप जब राज्यसभा में बैठे तो बुंदेलखंड में अपने पानी के लिए पहले तय कर लें। ये अच्छा हुआ है कि केन और बेतवा मिल रही है जी, लेकिन जब आप सांसद में वहाँ बैठे, क्या आपने उमा भारती जी को ये बात कही? जैसे मैं आप बताई उमा भारती जी, ये पॉलिसी मेकिंग है सर। हम अपनी बुंदेलखंड की जो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं बुंदेलखंड की बात सोच के आपको कह रहा हूँ कि आपको वहाँ सजग प्रहरी के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। जब बुंदेलखंड के आप सांसद हैं तो आपको अपने पानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी में पानी आपका उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जाएगा, इसी में आपका पानी दूसरा आप मेरठ की ओर चला जाएगा, आपका पानी आपके पास नहीं रहेगा। ये अच्छा कदम है। तो क्या ये परियोजना जिसे लेकर केंद्र की सरकार वाहवाही लूट रही है, ये फिर से बुंदेलखंड को, झांसी को परेशान करने वाली है? ये देश के लिए सबसे अच्छी परियोजना है, जहाँ बाढ़ आती और है बुंदेलखंड के लिए। लेकिन बुंदेलखंड के नेताओं को सजग होना पड़ेगा। हम चार जगह बिजली बनाते हैं मनोज, हम चार जगह बिजली बनाते हैं फिर भी बिजली हमें मुहैया नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं करेंगे, आप कितना भी उत्पादन कर लें उस पर आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। ये है कि जितने भी बीजेपी के जो यहाँ के हमारे झांसी में नेता हमारे बीच आ गए हैं, चाहे वो राजा बुंदेला जी हो, चाहे वो उमा भारती जी हो, वो एक्चुअली झांसी के कभी रहे ही नहीं। उमा भारती मध्य प्रदेश से पलायन करके यहाँ आ गई, राजा बुंदेला जी हर 5 से 10 साल में यहाँ आते रहते हैं, और निश्चित तौर पे उमा भारती जी कभी एक सीट से दोबारा चुनाव लड़ती नहीं है। इसीलिए उनको ये इस बात का ये संबंध है कि बिल्कुल ये पानी और बिजली का मुद्दा तभी सुलझेगा जब उनका स्थानीय प्रतिनिधि उनकी जनता के बीच में रहेगा, उनकी समस्या सुनेगा। अगर ऐसा है, अगर वाकई ऐसा है तो झांसी की जनता, बुंदेलखंड की जनता उमा भारती को चुनती क्यों है? बाहर के प्रतिनिधि को चुनती क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने जो एक हवा मंडल तैयार किया था 2014 के चुनाव में, और लोगों को झूठी आशाएं पैदा की थी, 15 लाख का वादा किया था, 10 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। आज 3 साल हो गए, 55 साल शहर की सरकार है। अगर 10 करोड़ लोगों की नौकरी करें तो आज 3 साल में 6 करोड़ नौकरियां लग जाएंगी। मनमोहन पचपन साल से इनकी सरकार है और ये दोहाई दे रहे एक एक सांसद और एक मंत्री की। उमेश जी 55 साल से इनकी सरकार। उमेश जी आपके बोलते हैं, उमेश जी देश को क्या हाल कर दिया? हम सब लोग राजनीतिक दल के लोग बुंदेलखंडी हैं कि नहीं है? हम सब बुंदेली हैं। हमको आपसी राजनीतिक लड़ाई को एक तरफ करके हम सबका लक्ष्य बुंदेलखंड राज, झांसी का विकास, हमको बुंदेलखंड कैपिटल बनाना है, ये हम सबका लक्ष्य है या नहीं है? यादव साहब, बुंदेलखंड का विकास हमारा उद्देश्य है, बुंदेलखंड का विकास, बुंदेलखंड में संसाधन जुटाए जाएं, बुंदेलखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। अगर बुंदेलखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो तमाम निवेश करने वाली कंपनियां यहां आएंगी, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन इतने साल तक क्यों नहीं हो पाया? आजादी के 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बुंदेलखंड की जमीन पर अब भी वही स्थिति है। सत्ता सिर्फ चंद हाथों में है, सिर्फ कुछ लोगों के पास यहाँ की धन संपदा है। आप केंद्र की सत्ता में हैं, ये बताएंगे। ललितपुर में डैम बनवाया किसने? बिरला के साथ आपने, समाजवादी पार्टी ने ललितपुर में, ललितपुर को एक सेंटीमीटर बिजली नहीं है,
जिसकी पानी में जिसकी सरजमी पर डैम बना है उस ललितपुर को उस डैम से बिजली नहीं है। जवाब आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए ललितपुर में 2200 मेगावाट बिजली बनाने का कारखाना लगाया गया और आज बिजली की क्या समस्या है? ये बहुत सवाल है, ये बहुत सवाल है। मैं लोगों के बीच जाऊंगा और वाकई इस दर्द को समझने की कोशिश करूंगा और लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अपनी जगह पर बैठे रहें। मैं अपनी जगह पर बैठे रहें, लेकिन राजनीति सियासत क्या है, राजनीतिक पार्टी क्या है? मेरे साथ असद साहब मौजूद हैं, असद साहब से पूछूंगा। असद साहब, आप एक कलाकार हैं, कला के माध्यम से समझाएं कि चुनाव क्या है, राजनेता क्या है। मैं आज सब लोगों के हवाले से कहना चाहूंगा, हमारे सारे प्रतिनिधि झांसी के, आप कम से कम उनकी डुएट तो सुने। देखिए, मैं आपके हवाले से कह रहा हूं कि चुनावी जंग में अब रंग का कैसे चुनाव हो, चुनावी जंग में अब रंग का कैसे चुनाव हो, है कौन जो अपना हमें जिससे लगाव हो, वादों का पिटारा लेके आए ये सब, वादों का ये पिटारा लेकर आए हैं सभी, रोशन ये कल किसके नाम से ये आफताब हो, जो करेगा और जिसने किया है वो आएगा और जिसने नहीं किया और जो नहीं करेगा वो पछताएगा, पछताएगा। ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल। बैठिए बैठिए, आप बताएं क्या मानते हैं, आप बताएं क्या बताएं? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं झांसी नगरी में जी, और इस चुनाव को लेके, यहां की सत्ता को लेके क्या मानते हैं आप? भाई, हम लोग युवा लोग हैं, युवा सोच है, और जो विकास का कार्य करेगा उसको हम लोग सत्ता में लाएंगे। आप क्या मानते हैं? माननीय अगले सांसद जी ने जो ऊर्जा दी है, जो विकास कार्य किए, उसके लिए हम लोग, आप पीछे हो, इस बात फिर उनको दोबारा सामने सामने सर जी, सामने आप बताइए। दरअसल जितने भी राजनीतिक दल हैं, खास तौर से भाजपा, केवल झूठे वादे करके बुंदेलखंड वासियों के साथ बुंदेलखंड के 9 सांसदी की सीटों पर कब्जा कर गई। हमें बुंदेलखंड राज चाहिए, बुंदेलखंड राज के बिना यहाँ का ना विकास हो सकता, ना यहाँ का खनन रुक सकता, ना यहाँ का पलायन रुक सकता, ना यहाँ की भूखमरी। उमा भारती जी ने कहा था, जब मैं सांसद बनूंगी तो 6 महीने के अंदर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार का दर्जा दिलवा दूंगी। अब तक केंद्र सरकार का दर्जा नहीं मिला है, यहाँ का किसान और भूखा मर रहा है यहाँ पे, जब उसका दर्जा मिल जाएगा। आप बता। मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से ये पूछना चाहता हूँ कि सर, हम लोगों का ध्यान, हम लोग यहाँ से एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो हम लोगों को कानपुर और लखनऊ सेंटर मिलता है, यहाँ झांसी सेंटर करवाने की कृपा करें। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। युवाओं का एक दर्द है कि एग्जाम सेंटर यहाँ पर नहीं पड़ता है, उन्हें कानपुर और लखनऊ भागना पड़ता है, ये दर्द क्यों? युवाओं को, युवाओं का एग्जाम सेंटर कानपुर और लखनऊ में होता है, झांसी क्यों नहीं होता है? नहीं होना चाहिए, हम भी इस बात से सहमत हैं कि होना चाहिए, युवाओं को यहाँ सेंटर मिलना चाहिए और उनकी जो है व्यवस्था कराने कराई जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। आप बताएं, मेरा सवाल बुंदेला जी से है, इसका जवाब दीजिए। आज तक बीजेपी जब जब सरकार बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर देखिए, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने युवा के लिए अभी तक वैकेंसी है क्यों नहीं निकाल रही है वो, और हर बार पैंतीस ऐसे विकल्प आए हैं, आप प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लेके स्टार्टअप इंडिया, आप स्किल इंडिया, आप सारे उठा के देख लीजिए, 35 ऐसे विकल्प हैं। हमने किसी को मनरेगा देकर, हमने किसी को मनरेगा देकर कटोरा नहीं पकड़ाया है, हमने उसको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए खड़ा किया है। वापस आएंगे और आप लोगों के बीच आके फिर तमाम मुद्दों को मैं पूछूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि बुंदेलखंड की जनता आखिर चाहती क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद
के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता से और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की तमाम परेशानियां क्या है। मैं महिलाओं के पास जाऊंगा, मैं सभी लोगों से कहूंगा कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, मैं उनके पास जाऊंगा, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करूंगा और मैं जानूंगा क्या मानती हैं आप, आप बुंदेलखंड की समस्या को लेकर क्या मानती हैं आप। अभी तक जो सपा पार्टी ने किया है वो बहुत हम लोगों के लिए फायदेमंद है, ऐसी बात नहीं है। आप क्या मानती हैं? और क्या, हमें जो बीजेपी से नुकसान पहुंचा है, हमारी बहू बेटियों को, लड़कियों को, यानी बुजुर्गों को, सबको नोटबंदी से, नोटबंदी ने बहुत तगड़ा नुकसान किया। इसमें ये बड़ा सवाल है, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? हमारा सवाल राजा बुंदेला से है। इन्होंने जब से ये राजनीति में आए, जब से ये राजनीति में आए, इन्होंने बर हमें ये कहा कि हम बुंदेलखंड प्रांत बनाएंगे जी, लेकिन ये भाजपा में चले गए, केंद्र में इनकी सरकार है। ये बताएं कि कब तक बुंदेलखंड राज बनेगा। और एक बात कि जो आपने ये दर्द जो करवाए थे राजा बुंदेला, मेरा सवाल राजा बुंदेला जी से है, ये एक भी बार झांसी में दिखाई नहीं देते हैं और झांसी की बात है। चलिए आप बताओ। मैं राजा बुंदेला जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अभी किसानों की बात कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे, जब नोटबंदी हुई 200 से ज्यादा लोग मारे गए और वो काला धन कहाँ गया? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ मेरा, आप बताइए क्या क्या कहती है बुंदेलखंड को लेकर। मैं बुंदेला जी से एक क्वेश्चन करूंगी कि जो नेता, जिस नेता के बदले आए हैं, जो नेता स्टेज पे खड़े होकर सवाल नहीं कर उत्तर नहीं दे सकता, वो नेता बनने लेके आए। चलिए आप बताइए क्या मानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो बुंदेला जी यहाँ आए उनसे पूछना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड में, जैसा कि अभी आपने कहा कि यहाँ से पलायन हुआ, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड जो है वहाँ से पलायन हुआ है, उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 जिले पड़ते हैं, 7 जिले में हमारे मुख्यमंत्री कोई भी भारत सरकार, पूरे भारत केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, ये 32 लाख उत्तर प्रदेश के। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मोदी जी से जो सवाल करते हैं वो कि अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया, तो जो आदमी प्रधानमंत्री देश का है हमारा, वो अपनी बीबी का सम्मान नहीं कर पाया, वो क्या देश की महिलाओं का सम्मान? आप बताइए क्या कहते हैं, आप क्या मानते हैं? जो बीबी को रखता है वो किस पर, जनता को कैसे रखेगा? सर एक मिनट सर, मैंने आज तक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनसे बड़ा कलाकार नहीं देखा, क्योंकि एक्टिंग मामले में वो जहां पे जाते वैसी बातें करते, और बुंदेलखंड में आए थे बोल रहे थे उमा जी हमारी छोटी बहन, हम 6 महीने में बुंदेलखंड राज बना देंगे, 6 साल भी हो जाएंगी तो वो बुंदेलखंड राज्य नहीं बना पाएंगे। आप बताइए। भाजपा से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? ये बड़ा सवाल है। 403 विधानसभा सीटों में एक भी मुस्लिम को, एक भी अल्पसंख्यक को टिकट क्यों? होता क्या है, चुनाव प्रणाली के लिए समिति बनती है, जीत, ये राजनीति है, जीत हार का आकलन होता है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इस आधार पर टिकट बंटती है, टिकट कोई। एक मिनट सांसद जी, मैं दूसरी बातें कर रहा हूँ, और एक गंभीरता के 2-4 लोगों ने सवाल उठाए। चलिए, और नोटबंदी, नोटबंदी जनता त्रस्त है। मैं दूसरी बात का, जो राज की बात कही है, नोटबंदी, अगर मेरा झांसी में रहने से राज बनता है, तो मैं 18 साल से झांसी में रहा, नोटबंदी नोटबंदी ना कि देखिए। दूसरा मुद्दा नोटबंदी का था, आपको याद होगा, कांग्रेस को भी याद है, इंदिरा गांधी के टाइम में यशवंत राव चौहान जी ने कहा था कि हम सरप्लस ब्लैक मनी मार्केट में है, नोट बंद करना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड है राहुल, और उन्होंने कहा था तुम्हें चुनाव लड़ना कि नहीं। दूसरी बात, नरसिम्हा राव जी के समय नोटबंदी की बात हुई, मनमोहन सिंह के समय में नोटबंदी की बात हुई। राहुल जवाब, अविरोध क्यों नोटबंदी? कितनी का विरोध? नोटबंदी का विरोध? नोटबंदी का विरोध कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, ये आम जनताओं का विरोध है। कभी भी नोटबंदी का असर इस तरीके से नहीं हुआ, जहाँ पे 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई हो, जहाँ पर एक अंततः प्रधानमंत्री खड़े होके वेनेजुएला में टीवी पे खड़े होके 8 तारीख को बोलते हैं कि नोटबंदी पर वेनेजुएला में सिविल वॉर हुआ है, वो विरोध होता है। हमारा देश वेनेजुएला नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम बुंदेलखंड में रहते हैं, के लिए नोटबंदी देश के हित की बात है। इससे आम आदमी का नुकसान हुआ है, जो गरीब आदमी है,
किसान है, छोटा व्यापारी है, जो दिन प्रतिदिन व्यापार करता है और शाम को अपना घर पे उस भोजन बनाता है, ऐसे लोगों के सामने कई महीने तक परेशानी रही। अपने खून पसीने की कमाई को जमा करके वो लोग उस पैसे को निकालने के लिए चार चार पांच पांच दिन यादव साहब रहे। यादव साहब, बीजेपी का चरित्र देश और समाज के सामने आ चुका है। अब हम लोगों को झांसी के विकास और झांसी की बात करना चाहिए। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, हमें पहले झांसी के बारे में बात करना चाहिए। हमारे झांसी को क्या जरूरत है, हमें झांसी में विकास कैसे करना है, झांसी नगर निगम। ये बड़ा सवाल है क्योंकि विधानसभा चुनाव का दंगल सच चुका है। हमने बुंदेलखंड की जमीन से यहाँ का मर्म समझने की कोशिश की है। यहाँ पर भूख प्यास और पलायन बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ के लोग उम्मीद करते हैं कि अगर पृथक बुंदेलखंड बनेगा, पृथक बुंदेलखंड राज्य बनेगा, तो शायद यहाँ की जमीन से दर्द खत्म हो जाएगा। फिलहाल